नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद को किस तरीके से ऑटो से टक्कर मारा गया था आपको याद है? 28 जुलाई की सुबह का वाकया है, जब वो मॉर्निंग वॉक में थे। अचानक एक ऑटो पीछे से आता है और टक्कर मार के चला जाता है, मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उस मामले में सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में खुलासा किया है कि उनको जानबूझकर टक्कर मारी गई। जरा देखिए उस वीडियो को भी, कैसे टक्कर मारा गया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वो आराम से टहलते हुए जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक। और ऐसा भी नहीं है कि ऑटो का बैलेंस ख़राब होता है या कोई और व्हीकल उसको टक्कर मारता है, फिर वो और किसी को टक्कर मारता है, क्योंकि रोड एकदम खाली है। और आपने देखा कि कैसे उसने कट लिया है और कैसे मारा है। जिस दिन यानी 28 जुलाई की सुबह सुबह ये घटना हुई, और उसी दिन से जो है इसको लेकर के आशंका जाहिर की गई कि ये जानबूझ करके हत्या की गई है। इस सिलसिले में नेक्स्ट डे यानी कि 29 जुलाई को दो लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें लखन वर्मा और राहुल वर्मा शामिल है। और ऑटो जो है एक पेट्रोल पंप पे दिखाई दिया था, फिर बाद में पता चला कि ये चोरी का ऑटो था। कड़िया जो है जुड़ती चली गई, पहले तो वहीं की पुलिस जांच कर रही थी, फिर सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। और अब जब 16 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई, तो झारखंड हाई कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि क्या आप रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, कोई भी नया प्रोग्रेस नहीं बता रहे हैं। आज जो है ज्वाइंट उनके जो डायरेक्टर होते हैं उनको बुलाया गया और पूछा गया, तब उन्होंने बताया है कि जानबूझ करके उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई थी। अब इसके पीछे कौन कौन शामिल है, किसने साजिश रची, किसने उनकी हत्या कराई, क्योंकि वो कई संगीन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। और कहा यह जाता है कि दो सगे भाइयों को एक मामले में उन्होंने उम्र कैद की सजा दी थी। तो देखते हैं कि सीबीआई इस मौत की गुत्थी को कब और कैसे सुलझाती है। लेकिन एक बात उसने हाई कोर्ट में मान ली है कि हाँ, उनको जानबूझ के टक्कर मारी गई थी, मतलब उनकी हत्या की गई। इस पे हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।